हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। सो गाइस, तो ये मेरा रूम है जो हॉल से हम लोग का, यहाँ एक फ्लैट का इधर का पोर्शन है, एक फ्लैट इधर है। ये है सीढ़ी जो बीच में से हम निकाले हैं, तो ऊपर भी चला जा रहा है और यही सीढ़ी नीचे जाएगा। तो ये सब भी रेलिंग को जो है ना गाइस, ताकि इसमें स्टील का लगाना है। तो अभी फिलहाल में इसका भी काम नहीं हो रहा, तो आप लोग ले चलते हैं नीचे। इतना ही ग्राउंड पे है, तो यहाँ हो गया कि ये चैनल गेट 25 साल पुराना है। तो देखिए, एक फ्लैट इसमें इधर है एक फ्लैट, यहाँ बीच में सीढ़ी, मोटर, ये बिजली का बोर्ड, और यहाँ पे है, यहाँ देखिए ये डाइनिंग एरिया है, जो एक बड़ा सा यहाँ जंगला है, विंडो यहाँ से 6x4 का है ये जंगला। और एक ये आगे का रूम है जो ये पहले हम लोग इसमें गेस्ट रूम का ही करते थे। तो जैसे कि एक रूम ये हो गया और ये एरिया है। तो गाइस, तो यहाँ ये डाइनिंग एरिया है, और एक ये हम बनाए थे गाय के रखने के लिए पहले। तो आइए आप लोग को नीचे ले चलते हैं। पड़ेगा, चोट लगेगा। तो ज़्यादा छोटा हो गया है। और यहाँ दो तीन है छोटा छोटा विंडो कि निकल जाएगा बाहर में जो हवा वगैरह होगा। तो यही है इसका। एक ये रूम है जो कि एकदम यहाँ ऊपर देखिए इस हलवाई से छत, और ये सीढ़ी कुछ इस तरीके का उतार रहे हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गो स्टेप बना है जो इसमें आने के लिए। तो अब चलिए ऊपर, यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। ये बेड भी बहुत मस्त बन गया है। मेरा जो टाइल मिस्त्री है ना, बहुत अच्छे हैं, अपने दिमाग से सब कर रहे हैं, बस हम लोग मटेरियल दे रहे हैं। अब यहाँ पे है एक छोटा सा, छोटा या बड़ा किचन है। तो ये किचन पहले था फर्श, 25 साल पुराना घर है, तो सब अब नया नया सब हो रहा है। तो यहाँ एक स्लैब डला गया है इसमें, जो कि छोटा छोटा डब्बा डुबी रखने के लिए। ये हो गया, यहाँ सिंक लगा दिए कि बर्तन धोने के लिए, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ देखिएगा कितने अच्छा यहाँ विंडो है। यहाँ का टाइल टूट गया है, इसको ऐसी करना पड़ेगा। नहीं है, हाँ नहीं है, कुंडी जो लगाना है तो कुंडी हटा दीजिएगा। तो ये आ गया है कप प्लेट का कुछ ऐसा डिजाइन, लेकिन चलिए मिला जुला के अच्छा है। ऊपर से गैप ज्यादा हो गया है, गैप नहीं होता है, जैसे कटिंग है ना तो भराएगा तो पता। और ये बोर्ड को बनवाइए, कटिंग करके। तो ये किचन हो गया। उसी तरह यहाँ पे एक लैट्रिन बाथरूम था जो कि छोटा था, 3x6 का है, तो पतला हो गया था, इसलिए इसको तोड़ाया जा रहा है। इतना ही छोटा उस पार्ट में है, उधर है सेम है, तो आप लोगों को दिखाया जाएगा। और इसको जो दीवार है ना, यहाँ तोड़ के, और इसका यहाँ से यहाँ दिखाइए ना, इतना जो एरिया 3 फीट है ना, तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ से इसको हाफ इधर ले लेते हैं, हाफ इस पोर्शन में चला जा रहा है। वहाँ पे है चापाकल, तो अब वहाँ से दीवार बंद हो जाएगा कि कोई रेंटर को असुविधा ना होगा अंदर रखने में। तो ये छोटा सा एक फ्लैट है, और छोटा एक यहाँ पे है रूम, आइए एक ये भी रूम है, तो 2 रूम का है। तो वहाँ देखिए इतना बड़ा 5x4 का जंगला है खिड़की, और एक यहाँ पर है। ये भी जंगला का दृश्य खराब हो गया, इसको भी कभी चेंज करना पड़ेगा आपको, नहीं तो भरवाना पड़ेगा इसमें। तो ये है, ये है।
थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेड मेरा क्लीन हो गया है, सब ठीक हुआ है, इधर सब सही कर दिया है। और यहाँ पे मेरा रूम, तो आपको रूम दिखा रहे हैं, यहाँ मेरा बेड और यहाँ बेड पे कौन आया था जी, ये तो इसको सीधा रखे थे हम, तो ये मेरा बेड। और आज हम लोग इसी रूम में सोए थे रात में, ये अलमीरा कितना मस्त लगता है ना। और अब कपड़ा जो है ना गाइस, ला के देखिए कैसे कैसे रखाया है, अब सब इसको सेटिंग भी करना है हमको, थोड़ा सा फिर इसमें टाइम लगेगा मेरा। यहाँ पे भी सब रखा गया है, तो ऊपर का भी कपड़ा थोड़ा सा ठीक ठाक करना है, इसलिए कि दीवार सीढ़ रहा है थोड़ा, तो देखना है कि कहीं उसमें पानी वगैरह नहीं ना आया है। और वो बोर्ड को लगाना है, कहाँ लगाना सही रहेगा आप लोग बताइएगा, तो उसको अभी फिलहाल में वहाँ रखे हैं, लेकिन वहाँ नहीं, हम सोच रहे हैं कि इसको यहाँ लगवा दें, खाली दीवार है, यहाँ बोर्ड है, यहाँ पर सोच रहे हैं कि उसको लगवा दें। तो मेरा रूम एकदम अच्छा लगता है ना, देखिए पूरा लाइट जलता है, एकदम मस्त दिखता है। हे गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो प्याज काटे हैं और ये नेनुआ है, एक किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पे लिए हैं फोरन, जो हरा मिर्चा है और तेज़पत्ता, तो इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें डाल रहे हैं मेथी, थोड़ा मेथी डालें और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। इसको चटकने देते हैं, जब चटक जाएगा थोड़ा लाल हो जाएगा ये। इसमें तेजपत्ता डाल दें, इसमें हरा मिर्चा डाल देंगे, अब डालेंगे प्याज, इसके साथ में भुनाएगा। जब तक लाल हो रहा है तब तक मसाला को रेडी कर देते हैं। ठीक बताइए, सब्जी हमारा और चना दाल, नेनुआ चना दाल का सब्जी, किसको किसको फेवरेट है, पसंद है, चलिए देखो चलते हैं। हे गाइस, तो अभी आ गए किचन में, और किचन में आए तो यहाँ पे घेवड़ा का सब्जी रखा हुआ है काट के, और प्याज कढ़ाई में छौंक दिए हैं और आराम से बन रहा है। तब तक चलते हैं मसाला को रेडी करने, और इधर चावल बनाना है तो चावल बना देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे लिए हैं थोड़ा सा जीरा, हल्का एक चम्मच से कम ही है, और यहाँ दो बड़ा इलायची, थोड़ा सा दालचीनी और गरम मसाला है, और एक पोटा लहसुन, यहाँ देखिए इसको छोड़ा लिया है कूट के, और यहाँ पर थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी जो पीसने लायक पीस आ जाए। चलते हैं इसको पीस ले पहले, तब तक प्याज हो रहा है, थोड़ा अच्छे से लाल हो जाए प्याज तब धनिया डालेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ प्याज देखिए एकदम बिल्कुल अच्छा तरीके से भुना गया, अब इसको डाल देंगे धनिया को, जो नेनुआ हम लोग तो इसको घेवड़ा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, नेनुआ बोलते हैं, तो इसको इसमें डाल दिए। तो खोलते ओपन करके चलाएंगे इसको, यहाँ चना का दाल जो हम भिगो के रखे थे उसी के साथ डाल देंगे, अच्छे से
अपने से हट कर गैस। तो थोड़ा सा सत्तू बच गया था तो कल रख दिया था फ्रिज में, और अब जा रहे हैं इसको बनाने, तो बना लेंगे इस समय, दोपहर का टाइम है तो फिर रात के काम चल जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी भर भी रहे हैं और पानी उधर बैठा दिए हैं बॉयल होने के लिए, भर भर के डाल भी दे रहे हैं। सामान बच गया था तो फेंकने में थोड़ा ही लगता है, ज़्यादा हो गया था, सोचा कि इस समय बना देंगे तो हम लोग को रात के काम चल जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ चढ़ा दिया था पानी बॉयल होने के लिए, और ये बॉयल हो जाए रात में इसे फ्राई कर देंगे तो हो जाएगा। और अभी चावल बनाएंगे, लिट्टी बनाएंगे। मेरा हो रहा है 7 मिनट हो गया है, अब इसमें डालेंगे मसाला और हल्दी नमक। यहाँ पर मसाला पीस के रेडी हो गया है, इसको खोले धीरे से, पानी थोड़ा डाल दिया है कि उसमें भुना जाएगा अच्छे से। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा नमक कम भी डलाता है इसमें, इसमें मीठा मीठा सब्जी अच्छा होता है। एक चम्मच के हिसाब से हल्दी डालेंगे, और इसका देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अब डालेंगे ये मसाला, इसमें थोड़ा सा पीसक है और पानी थोड़ा सा डाल दिया आधा कटोरी के हिसाब से, तो आराम से इसमें होते रहेगा। अब इसमें कुछ नहीं डालना है, बस जब तक सब्जी बनता रहे तब तक हम अपना काम करेंगे। और आप लोग भी बनाइएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। मेरा लिट्टी भी बन गया गाइस, तो यहाँ लिट्टी मेरा बॉयल हो गया, तो देखिए कितना हुआ है, 3-3 6 काफ़ी है। थोड़ा सा चावल वगैरह बचेगा, मिला के खा लेंगे लोग। तो यहाँ पे लिट्टी बॉयल कर दिए हैं और भाप निकल रहा है, तो इसको रात में फ्राई कर देंगे। यहाँ बैठा दिए चावल, तो मेरा चावल जब तक बनेगा तो सब्जी भी बन जाएगा। यहाँ सब्जी पानी थोड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पूरा पानी छोड़ दिया है, तो अभी इसको होने देते हैं, आराम से होते रहे। और खाना बना के सब साफ भी कर लिया, तो बनाते रहते हैं, और इधर उधर थोड़ा सा भी हो रहा है तो उसको सफाई कर देते हैं। तो इसमें रखते हैं, इसको टिफिन में रख देते हैं। बस बन गया, अब खाना चलता है। ठीक है गाइस, तो ये सब्जी बन के रेडी हो गया, और किसको किसको पसंद है आइए खाने। असूला बंद करने जा रहा है। सो गाइस, तो यहाँ पे बन गया सब्जी और चावल, तो अब लेके जा रहे हैं देने, और प्याज काटेंगे चाहे आम काटेंगे और तब खाएंगे लोग। तो चलिए आइए आप लोग भी।